लिमसेट 2022 का रिजल्ट आ गया और इस बार का जो रिजल्ट है पिछले सालों से कई गुना अच्छा है। हाईएस्ट बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंपिटस के और उसमें से एक है हर्ष गोयल जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है जो कि राजस्थान धौलपुर से हैं। और हर्ष की सबसे अच्छी बात है कि हर्ष ने फाइनल ईयर के साथ ऑल इंडिया सेकेंड रैंक अचीव किए। तो हर्ष सबसे पहले आपको इसकी ढेर सारी बधाइयां और आप सबको मैं बता दूं कि सेशन स्टार्ट हो गए हैं और मैं आपको बाकी भी सभी बच्चों के बहुत जल्दी इंटरव्यू दूंगा। तो हर्ष एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामना ऑल इंडिया रैंक 2 के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हर्ष आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ की, कई बार बच्चे इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार डरते भी हैं कि पता नहीं हमारा फाइनल के साथ हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ऑल इंडिया रैंक 2 इस मायने रखती है और इतना अच्छा आपका स्कोर आया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी को बहुत खुल के बताएं और आपके पेरेंट्स को भी इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सर बेसिकली ये सक्सेस जर्नी तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी कोचिंग और सबकी ब्लेसिंग मेहनत इसी का ही फल है। और मतलब सर मैंने स्टार्ट किया थे जनवरी 2021 से, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी इंपिटस और मैंने तभी से, मतलब मैं पहले ऑफलाइन के लिए था इंपिटस में, तो एक दो महीने मैंने इंपिटस ऑफलाइन लिया था। फिर वहाँ पे एक्चुअली कोरोना आ गया था, तो मैं कोरोना की वजह से घर गया था और मैंने सोचा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं पाया तो मैंने फिर ऑनलाइन में शिफ्ट कर लिया था। फिर सर पढ़ते चले गए, फिर आगे बढ़ते चले गए और सर टेस्ट किए, काफ़ी मजा आया और फिर सेकेंड रैंक आ गई। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था सर सेकेंड रैंक आएगी, पर देखते आ गई सेकेंड रैंक की। नहीं बार जब आपने स्कोर बताया था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपकी टॉप 10 में रैंक आएगी। और एक और बात है, देखो आप उससे भोपाल में रह के पढ़ के गए तो आपको एक एटमॉस्फेयर पढ़ने का तरीका पता था, दूसरा फिर आपने ऑनलाइन पढ़ा। और मैं यही बोलता हूँ इंपिटस के साथ सबसे अच्छी बात ये हो गई कि आज आप जहां पर भी है जिस कंडीशन में, अगर आप घर पे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ो, नहीं पढ़ सकते क्लासरूम में, यानी ये एक अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास है। और देखो इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं तो ये मायने रखता। तो अब मुझे, मैं चाहूंगा कि बच्चे हमेशा ही जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपका स्कोर है 786.5, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपने पढ़ाई का शेड्यूल कैसे था, कॉलेज के साथ आपने इसको कैसे मैनेज किया, कितने घंटे किस किस सब्जेक्ट को टाइम दिया, क्या किया, ये सब चीजें मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं। सर एक्चुअली मैंने, मेरे को पता तो सर फर्स्ट ईयर से ही था एमसेट जैसे कुछ होता है, पर मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पर, तो मेरे बेसिक मतलब इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने बेसिक अपने से कवर करना चालू कर दिया था शुरुआत से ही, फिर करते चला गया, लेकिन जब लास्ट में लगने लगा कि अब तो सीरियस होना ही पड़ेगा तो सर फिर पढ़ाई स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत पढ़ते गए। और फिर सर कॉलेज तो वैसे ही बंद ही थे कोरोना की वजह से, तो कॉलेज तो जाना इतना होता नहीं था, मतलब वीक में एक दो बार चले गए, ज्यादा बार जाते नहीं थे कॉलेज, तो घर पर ही बैठ के बस पढ़ते थे। और सर मेरा कोई ऐसे फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि मतलब इतने घंटे ही पढ़ना है हर चीज को, मैं बस डेली का सोच लेता था कि ये कंप्लीट करना है और वही करता था, और ऐसे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऐसे पार्ट के टाइम नहीं दिया था कभी भी कि मैथ को मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, रीजनिंग इतने घंटे पढ़ना है, बस जितना मन कर रहा था उतना पढ़ लेता था, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। देखो ये अच्छी बात है, एक आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, मैं हमेशा मानता हूँ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कोई एक समय लगता है, जैसे आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर था कि निमसेट करना है तो एक माइंड सेटअप था, और माइंड सेटअप होना बहुत मायने रखता है, इसीलिए फाइनल के साथ आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। कई बार कुछ बच्चे बहुत लेट डिसाइड करते हैं सेकंड ईयर के बाद या फाइनल के बाद, इसलिए उनको कई बार ड्रॉप की जरूरत पड़ती, पर आपका ऐसा नहीं था। दूसरा मुझे समझ में आ गया कि आप जो एक्चुअल में, जो मैंने भोपाल में भी देखा, आपका रूटीन सिंपल है कि जब टाइम मिले पढ़ लेना है, कोई फिक्स टाइम टेबल के साथ पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि जब टाइम हो आप पढ़ाई करो, कॉलेज की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एमसीए की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पर किस समय क्या इंपॉर्टेंट है ये अगर हमारे दिमाग में क्लियरिटी है तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं। तो हर्ष अब क्योंकि आप बहुत जल्दी भोपाल आने वाले हैं अवार्ड लेने और बहुत सारा डिटेल में बताएंगे, तो मैं वेट करूंगा और आप भी इस चीज के लिए तैयारी रखिए, अपने पेरेंट्स को भी शुभकामना दीजिए और उनके साथ फिर अवार्ड सेरेमनी में मिलते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, अब आपको NIT त्रिची जाके भी ऐसे ही धमाल करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, खुश रहना आप, क्योंकि अपने जूनियर्स के लिए बहुत बड़े मोटिवेटर्स होंगे जिस जगह से आप हो राजस्थान से, तो क्योंकि अब आपको जब बच्चे सिलेक्ट होता हुआ देखेंगे और देख समझेंगे तो वो भी समय पे एक्शन लेंगे। तो मैं चाहूंगा आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को तो यही मैसेज है कि बिल्कुल प्रेशर फ्री रहकर पढ़ाई करें, मतलब ये नहीं कि अपन को पढ़ना है आज 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, कभी प्रेशर नहीं लेना है कि आज जितनी पढ़ाई होगी उतनी ठीक है कल और अच्छा करेंगे, बस ये सोच के पढ़ते रहना है, कभी भी प्रेशर के साथ नहीं पढ़े, प्रेशर के साथ पढ़ाई हो नहीं सकती, एक्चुअली मेरा भी यही था। बिल्कुल सही बात बोली, और देखो आपको याद हो मैं आखिरी समय भी यही बोलता था, कुछ बच्चों के पेपर इसलिए बिगड़ गए क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस लिया, जहां पे भी आप स्ट्रेस लोगे आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रेशर के बिना पढ़ना है, अच्छा करना है, पर स्ट्रेस लेके नहीं करना है, यही एक की सक्सेस है। और मैं कहूंगा ये हर बच्चा फॉलो करे, क्योंकि देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है और आप सब भी इसी बात को ध्यान रख के चले।
चलिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बेटा. थैंक यू सर, थैंक यू.